वजीर आजम कभी हाई कोर्ट जाता है, कभी सुप्रीम कोर्ट जाता है और इत्तेवा के लिए उसकी कोर्ट से जारी रहती है जो कि आखिरी मराहल में है। तो हम आज सब नौ जमातों के रहबर कमेटी के मेम्बरान आए हैं और यही हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन से हम यही इल्तिजा और दरख्वास्त करते हैं कि चूंकि पाँच साल का वक्त बहुत ज़्यादा अर्सा था और ये गैर मामूली केस नहीं है, अहम नौइयत का केस है और अभी साबित भी हो चुका है कि उसमें हिंदुस्तान से भी, अमेरिका से भी और पूरी दुनिया से लोगों ने पैसे भेजे हैं, हुंडी के ज़रिए भी आए हैं, डायरेक्ट चेक भी आए हैं। तो हम अभी इलेक्शन कमीशन से यही दरख्वास्त करते हैं आपके मीडिया के ज़रिए कि खुदारा जो रियासत मदीना का नाम ले रहा है तो वहाँ पर जो खलफात है उन्होंने तो अपने आप को फौरन पेश किया। इमरान खान अभी क्यों भाग रहा है, एहतसाब है। और ये तो परसों भी मौलाना साहब ने आज़ादी मार्च में जो ऐलान किया था, बात की थी कि वो तो करप्शन की बातें कर रहे हैं एक एक लीडरशिप के पीछे, ये तो पूरा टबर चोर है, पूरा घर जो है ना, पूरी पार्टी चोर है। और अभी जब फैसला आएगा तो फिर उसमें इंशाल्लाह पीटीआई सारी चली जाएगी, उसके जितने भी ओहदेदार हैं, जिम्मेदार लोग हैं। तो मेरे ख्याल में जो गंद यहाँ पर आया है उसका मुकम्मल सफाया हो जाएगा और ये मेरे ख्याल में हम सरदार रजा साहब जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उसने बड़ी अच्छी शोहरत रखी है, सिविल जज से शुरू हो के और सुप्रीम कोर्ट तक वो पहुँचे हैं और अभी चूंकि उसका वक़्त भी बहुत कम है और हम चाहेंगे कि ये तारीखी फ़ैसला वो अपने मुकर्रर मुद्दत में कर लें और हमारी इल्तिजा है कि वो डे टू डे इस केस को रोज़ाना की बुनियाद पे कर लें कि इसमें ताखीर ना हो और ये केस जो है फौरी तौर पे हल हो जाए। और जब इंशाल्लाह ये इख्तिताम पे होगा तो ये पार्टी भी नहीं रहेगी, ये हुकूमत भी नहीं रहेगी और तशवीश है सब सियासी जमातों को कि ये केस क्यों इल्तिवा में रखा गया है। कुछ केसेस तो डे बाय डे, हमें नेब वाले हफ्ते में तीन बार बुलाते हैं, अपने जो भी वो हमसे मांगते हैं हम उसको देते हैं, लेकिन अभी इस केस में ताखीर जो है ये इस मुल्क के लिए भी नुकसानदेह है। करोड़ों आवाम मुतालबा करते हैं कि खुदारा इस केस को निमटाएं और जल्द अज जल्द जो है आप फैसला कर लें। तो इसके लिए अभी हम एक याददाश्त भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को रिटर्न में देंगे, इसमें सारी रेबर कमेटी के मेम्बरान के दस्तखत होंगे और हमारी बड़ी हम बड़ी उम्मीद से आए हैं कि आज हमारा आना और यहाँ पर आज़ादी मार्च में जो लाखों लोग आए थे उसमें भी सारी लीडरशिप थी, नौ पार्टियों की लीडरशिप आई थी, उन्होंने भी मुतालबा किया है कि ये केस जल्द अज जल्द निपटाएं। तो आपके चैनल से भी हमारी दरख्वास्त है कि बाकी चीज़ों पे तो आप रोज़ाना टाकरा करते हैं, आपके एंकर रोज़ाना किसी मौजू पे बात करते हैं, डे टू डे आप भी इस केस को निपटाएं कि एक हैसियत से ये और भी ज़ोर पकड़े, क्योंकि उसमें मुल्क की वहदत है, इस मुल्क का जो नुकसान हो रहा है, मईशत की जो तबाही है, यहाँ पर जो लोग बेरोज़गार हो रहे हैं, पार्लियामेंट में तोकीरी है और यहाँ पर जो भी कुछ हो रहा है हमने अपनी ज़िंदगी में जो इस हुकूमत में देखा कभी नहीं देखा है। मैं आपका भी मशकूर हूँ और अपने रहबर कमेटी के सारे मेम्बरान का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज वो सारे यहाँ पर अपनी अपनी जमातों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। एक मिनट, बात यह है कि बुनियादी प्रिंसिपल है इंसाफ के तकाजे पूरे करने का कि जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। पिछले पाँच साल से ये मुकदमा ज़ेरे इल्तवा है और ज़ेरे इल्तवा भी इस वजह से है कि ये जो पीटीआई के नुमाइंदे हैं या उनके वकला हैं वो हर नए मौके पे एक नई दरख्वास्त डाल देते हैं, फिर ये दरख्वास्त देते हैं कि जी इन कैमरा प्रोसीडिंग्स हो। हम तो ओपन कोर्ट कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर बिलीव करते रहे, हमेशा कहा है कि ओपन कोर्ट्स में मुकदमात की समात भी हो और पैरवी भी हो,
हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि जो कल तक किसी और से कहते थे तलाशी दो, हम कहते हैं तुम्हारे जो चोरी शुदा माल है कौन मुतालबा कर रही है कि तलाशी दो, तो तलाशी देने से क्यों घबरा रहे हो। इसलिए हम समझते हैं कि डे टू डे प्रोसीडिंग होनी चाहिए और ये मुकदमा ये किसी अपोजिशन की जमात ने नहीं या किसी कारकुन ने नहीं किया, ये उसका जो बुनियादी मेंबर था जो पीटीआई बनाने में जिनका किरदार था और जो फाउंडिंग मेंबर है ये उनका केस है। और 18 ऐसे अकाउंट्स हैं जिनके बारे में कोई डिक्लेरेशन ही नहीं है, तो अगर आप चोर नहीं हैं तो फिर तलाशी देने में आपको इतराज़ क्यों है। हम समझते हैं कि इस मुकदमे का फैसला जल्द अज जल्द होना चाहिए, क्योंकि जो रियासत मदीना की बात करते हैं वो दूसरों से अगर मुतालबा करते हैं कि आप तलाशी दें, जब अपनी बारी आए तलाशी देने की तो फिर इज्तनाब करते हैं। हमारी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब की टेन्योर ख़त्म हो रहा है उससे पहले ये फैसला हो जाएगा। और ये कोई लंबा चौड़ा प्रूफ करने की बात नहीं है, ये डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात है। सारा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास मौजूद है, हम समझते हैं उसी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बुनियाद पे इलेक्शन कमीशन फैसला कर रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सारी अपोजिशन की पार्टीज़ यहाँ पर इसलिए आई हैं कि पाकिस्तानी सियासत के अंदर करप्शन का सबसे बड़ा मेगा स्कैंडल किसी सियासी जमात की तरफ से पाकिस्तान की जमहूरियत में इतनी बड़ी करप्शन का कोई स्कैंडल मंजर आम पे नहीं आया जितना के पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस है। पिछले 5 साल से इमरान अहमद नियाजी और उनके करीबी साथी जो इस करप्शन स्कैंडल में मुलव्वस हैं वो ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते रहे हैं। आपको मालूम है कि पिछले कई सालों से इमरान अहमद नियाजी साहब ने ख़ुद को मिस्टर क्लीन साबित करने के लिए पूरे मुल्क को ऊपर नीचे किया हुआ था। इन्होंने अपने हर मुखालिफ पे बदतरीन करप्शन के इल्ज़ामात लगाए, बेनामी अकाउंट्स का शोर मचाया। आज ये पता चला है कि पीटीआई पाकिस्तान की वो सियासी जमात है जिसने दर्जनों बेनामी अकाउंट्स रखे हुए थे। वो अकाउंट्स के जो इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किए गए, वो अकाउंट्स जिसमें अमेरिका से, यूरोप से, इंडिया से, मिडिल ईस्ट से पैसा आता था, वो इमरान अहमद नियाजी और इनके साथियों के जाती अकाउंट्स में आता था। अब ये हमें तहकीकात से मालूम हो रहा है कि इसके अंदर उन लोगों ने भी पीटीआई की फंडिंग की है जो एंटी पाकिस्तान एजेंडाज रखते हैं। पाकिस्तान दुश्मन फंडिंग भी पीटीआई को मिलती रही है। और इसी तरह जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं उनको भी धोखे धोखे से इमरान अहमद नियाजी उनकी खून पसीने की कमाई पीटीआई के नाम पे हासिल करते रहे, डोनेशंस लेते रहे, लेकिन वो डोनेशंस प्राइवेट अकाउंट्स में जाती रहीं, उनका कोई ऑडिट अकाउंट नहीं है। उन डोनेशंस को इलेक्शन कमीशन के सामने डिक्लेयर नहीं किया गया। ये पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ा करप्शन का स्कैंडल है जो मंजरे आम पर खुद पीटीआई के फाउंडिंग मेंबर्स लेकर आए हैं। अब इसके हवाले से हमारे दो खदशात हैं। पहला ये कि पीटीआई बहुत मेहनत करके कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन का टेन्योर या उसकी कॉम्पोजिशन ख़त्म हो जाए ताकि इस मुकदमे की कार्रवाई गैर मौसर हो जाए। पीटीआई ने जानबूझकर दो मेंबरान इलेक्शन कमीशन के ऊपर इत्तफाक़ राय इसलिए नहीं किया क्योंकि वो इलेक्शन कमीशन की कॉम्पोजिशन को गैर मौसर करना चाहते हैं। चूँकि अगर इलेक्शन कमीशन जिसके 5 अराकीन हैं उसमें 2 अराकीन पर इत्तफाक़ राय वो नहीं कर रहे और अगले महीने चीफ
इलेक्शन कमिश्नर भी रिटायर होने वाले हैं, तो फिर पांच में से तीन अराकीन गैर हाजिर होने से ये कमीशन गैर मौसर हो जाएगा। तो पीटीआई ने बड़ी मेहनत की है इल्तवा के मुख्तलिफ हथकंडों से कि वो इलेक्शन कमीशन को इनकम्प्लीट करके जवाबदही से बच सके। हमारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये मुतालबा है, तमाम अपोजिशन जमातों की तरफ से और पाकिस्तान के अवाम के बिहाफ पे और उन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के बिहाफ पे जिन्होंने नहायत अच्छा